क्लास ए का तो यहाँ पे 66 लिखो। अभी मैं इसकी नेटवर्क आईडी निकाल रहा हूँ, यहाँ पे सबको जीरो कर दो क्योंकि पहला ऑक्टेट ही नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। यहाँ पे देख लो क्लास ए के अंदर, ठीक है, ये आगे इसकी नेटवर्क आईडी। हाय दोस्तों, वापस से आ गए हूँ एक और वीडियो लेके आईपी एड्रेस के ऊपर। तो आज चर्चा करेंगे प्राइवेट आईपी के ऊपर, प्राइवेट आईपी क्या होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक होती है अपनी प्राइवेट आईपी। अब ये 10.0 क्यों है, यहाँ पे 0.00 क्यों नहीं है, क्योंकि तुम सबको पता ही है कि जो 10 है अपनी वो क्लास ए के अंदर आता है, और क्लास ए के अंदर पहला जो ऑक्टेट होता है वो होता है नेटवर्क के लिए रिजर्व, और बाकी सारे ऑक्टेट होते हैं वो होते हैं होस्ट के लिए रिजर्व। और राइट, तो इन सबको तो यहाँ पे जीरो से लेके आईपी स्टार्ट होती है, और ये है मैक्सिमम वैल्यू 255। और राइट, तो यहाँ तक ये पूरी आईपी होती है प्राइवेट आईपी। और राइट, क्योंकि जब आगे AWS के अंदर 10.0.0 को काफ़ी ज़्यादा मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो इसी वजह से तुम सबको पहले से पता होना चाहिए कि ये आईपी क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी है। ऑलराइट, और एक और बात ध्यान रखना कि प्राइवेट आईपी को कभी भी खरीदना नहीं पड़ता, ये फ्री होती है। ऑलराइट, ये तुम ले सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। और यहाँ पे आती है फिर 172.16.0.0। ऑलराइट, यहाँ से 16 से स्टार्ट होती है 172 के अंदर, और 31 की मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है। जैसे कि तुम सबको पता होगा कि आईपी पहले मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ कि स्टार्ट कैसे होती है। जैसे यहाँ पे अभी 1 है, 1.0.0.0, अब यह है मेरी पहली आईपी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी 1.255, अब इधर भी 255, और लास्ट वाले में भी 255, क्योंकि जैसे कि तुम सबको पता है कि 255 ही मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आईपी एड्रेस के अंदर। ऑलराइट, तो जब ये सब 255 हो जाएंगे उसके बाद स्टार्ट होगी 2, और 2 कैसे चलेगी, 2.21.0.0, तो ऐसे करके वो वैल्यू पहुंच जाती है सीधा 255 तक। ऑलराइट, तो होप कर तो समझ में आ रही होंगी। चलो अभी बात करते हैं, जो आज वीडियो है वो है किसके ऊपर, एक तो प्राइवेट आईपी के ऊपर। पहले प्राइवेट आईपी ख़त्म कर देता हूँ, 192.168.0.0 से लेके 192.168 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक है अपनी प्राइवेट आईपी। ऑलराइट, तो ये तो बात होगी इसकी, सही पकड़े हैं, ठीक है, ये तो बात होगी प्राइवेट आईपी की। अब बात करते हैं कि जैसे ये आईपी एड्रेस है, ये तुम्हारे सामने आईपी एड्रेस है, मैंने एरो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ, एक्चुअली माउस से ना बनता नहीं है ढंग से। तो ये रहा तुम्हारे सामने एक आईपी। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इस आईपी के अंदर कितने एड्रेस और बन सकते हैं, मतलब क्योंकि एक ये पूरा एक नेटवर्क है ना, ये एक नेटवर्क है बहुत बड़ा, इसके अंदर से कितने आईपी एड्रेस जनरेट हो जाएंगे, मतलब मैं कितने पीसी को एक आईपी जनरेट करके दे सकता हूँ, तो क्या कोई बता सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले कौन सी क्लास का है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कौन सी क्लास का है, क्लास ए का है, क्लास ए का तो यहाँ पे 66 लिखो। अभी मैं इसकी नेटवर्क आईडी निकाल रहा हूँ, यहाँ पे सबको जीरो कर दो क्योंकि पहला ऑक्टेट ही नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। यहाँ पे देख लो क्लास ए के अंदर, ठीक है, ये आगे इसकी नेटवर्क आईडी। एक होती है ब्रॉडकास्ट आईडी, तो ब्रॉडकास्ट आईडी वैसे भी जरूरत नहीं है, फिर भी मान के चलो तुमने ये एड्रेस खरीदा हुआ है, मान के चलो तुमने खरीदा हुआ है ये एड्रेस। ऑलराइट, तुमने एड्रेस खरीदा हुआ है और तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हैं, 1000-2000 पता नहीं कितने सारे कंप्यूटर हैं। अब सबको एक एक आईपी देनी है, तो इस आईपी में से, अब तुमने तो ये खरीद ली, ये तो लेकिन एक ये पूरा एक नेटवर्क है, लेकिन अब इसमें से तुम कितनी आईपी निकाल सकते हो, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मैं बताता हूँ कैसे करोगे। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, अभी तुमने ये निकाल लिया, ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखो 66, और जितने भी जीरो है ना इसको 255 कर दो। ऑलराइट, इधर भी यहाँ पे गलती से कॉमा लगा दिया, यहाँ पे डॉट आएगा, गजब बेइज्जती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे .255.255, तो ये क्या है, ये है मिनिमम वैल्यू तुम्हारे नेटवर्क की, ये है मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम गिनते नहीं हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं।
ऑलराइट। अब एक बात बताओ, ये जैसे क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो कितने होस्ट हैं, कितने बिट्स हैं होस्ट को रिजर्व, कितने बिट हैं? 8 8 8 24, क्योंकि पहला तो 66 है, इसको तो गिनोगे नहीं क्योंकि ये तो नेटवर्क आईडी है। अब यहाँ पे होस्ट है 0.0.0, तो ये जो पहला वाला है अपना, ये जो सेकंड ऑक्टेट है और ये थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट है, ये तीनों ऑक्टेट हैं, ये है अपना होस्ट पार्ट। तो 8 8 बिट्स हैं तीनों में, ठीक है, 8 इधर 8 इधर 8 इधर, तो टोटल कितने हो गए, 8 8 16, मतलब टोटल हो गए 24। ऑलराइट, तो अब तुम फाइंड आउट कैसे करोगे कि इस नेटवर्क में से टोटल कितने निकल सकते हैं, कितने आईपी निकल सकते हैं, कितने आईपी जनरेट हो सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, AWS खुला हुआ है, एक काम करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं ज़रा, पहले तुम्हें फार्मूला बता देता हूँ उसके बाद बात करता हूँ। तो एक फार्मूला है, जितने भी यहाँ पे बिट है ना, इसको रख दो 2 की पावर, यहाँ पर रख दो 24 और यहाँ पर कर दो -2 इज इक्वल टू तुम्हारा आंसर है। शाबाश, ठीक है, तो अब इसको करते हैं 2 पावर 24। तो भाई ये देखो इतना बड़ा नंबर आ रहा है, यहाँ पे देख लो इतना ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है। तो ए जो क्लास ए का आईपी एड्रेस होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तुम इतने आईपी दे सकते हो, इतनी तो नहीं दे सकते, इसमें -2 कर दो, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ऑलराइट, तो इतना तुम, इतने आईपी तुम दे सकते हो इस वाले नेटवर्क में से। ऑलराइट, होप करते हैं बातें क्लियर हो रही होंगी, ऐसी तुम किसी और क्लास का भी निकाल सकते हो आईपी। ऑलराइट, अब क्लास बी है, क्लास बी में 16, अब मैं तुम्हें सीधा बिना कैलकुलेट करे बता देता हूँ, क्लास बी में आएगा 16, क्योंकि 2 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं ना होस्ट के लिए, तो उसमें जनरेट होंगे, उसमें इतने 65,536 कंप्यूटर ही, सॉरी 65,534, क्योंकि 2 माइनस करोगे ना, तो इतने तुम आईपी दे सकते हो अपने कंप्यूटर्स को। और अगर तुम क्लास सी में जाओगे तो यहाँ पर तो बस 8 बिट्स बचे, इसमें ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है, यहाँ इसमें बने सिर्फ 256। ऑलराइट, तो यहाँ पे सिर्फ 256 बन रहे हैं। वाह क्या सीन है। तो होप करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी, और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें दिखाया था CMD पे, अब जो तुम्हारी लूप बैक, यहाँ पे देखो एक बार, ये जो लूप बैक टेस्टिंग के लिए रिजर्व होती है 127 आईपी, ये पूरी रिजर्व होती है 127। ऑलराइट, तो कभी भी तुम AWS चलाओगे, चलो AWS की बात अभी करते नहीं क्योंकि काफ़ी नॉन टेक से बंदे हैं जो देख रहे हैं ये वीडियो, तो AWS क्लाउड है अपना, तो वो उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए नेटवर्किंग पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी नेक्स्ट वीडियोस में मैं लाऊंगा सबनेटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट, सबनेटिंग क्या होती है, और थोड़े प्रोटोकॉल्स के बारे में भी बात करेंगे, HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क है, SSH और टेलनेट में क्या फ़र्क है, SSH क्यों प्रेफर करते हैं, HTTPS प्रेफर क्यों करते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़े फंडामेंटल है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद AWS को स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, और जो बंदे यहाँ पे DevOps से रिलेटेड, लिनक्स एडमिन सिस्टम एडमिन से रिलेटेड देख रहे हैं कोई भी वीडियो, तो पैरेलली मेरी एक लिनक्स की भी प्लेलिस्ट चल रही है, तुम सबको एक बार मैं दिखा देता हूँ, वो प्लेलिस्ट काफ़ी ओपी प्लेलिस्ट है। ऑलराइट, तो जैसा कि तुम सब देख सकते हो, अगर हिंदी में प्लेलिस्ट देखनी है तो ये रही RHCSA हिंदी, और ये पूरी AWS पे पढ़ाई है मैंने, अभी भी चल रही फ़िलहाल, और ये है लिनक्स के ऊपर, लिनक्स अगर किसी को सीखनी है तो ये पढ़ के भी तुम सीख सकते हो, बाकी नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट ये रही जिसमें तुम अभी हो। ऑलराइट, AWS हिंदी भी, नेटवर्किंग हिंदी, दोनों में सेम कंटेंट आ रहा है, उसके बाद एक टाइम के बाद नेटवर्किंग हिंदी में सिर्फ नेटवर्किंग की वीडियोस रहेगी, और AWS के अंदर AWS भी चालू हो जाएगा। ऑलराइट, तो किसी को AWS से पहले से ही फेमिलियर होना है तो ये वो RHCSA की हिंदी की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकता है, एटलीस्ट इसके अंदर बेसिक कमांड्स की वीडियोस तो देख ही सकते हो तुम सब, यहाँ तक है बेसिक कमांड्स की, यहाँ तक शुरू की 13 वीडियोस देख लो, बेसिक कमांड्स तो वैसे भी सबको आनी चाहिए जो भी AWS पढ़ रहा है या फिर सोच रहा है पढ़ने के लिए। ऑलराइट, यहाँ से स्टार्ट है, और थोड़ा बहुत तुम AWS से भी फेमिलियर हो जाओगे तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब बाद में AWS पढ़ोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं कि ये क्या है, EC2 क्या है, छोटी मोटी सर्विसेज के बारे में तुम्हें पहले से ही पता होगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ऑलराइट, तो होप करता हूँ ये वीडियो भी तुम्हें अच्छी लगी होगी, एक बार मैं वापस से तुम्हें वो दिखा देता हूँ, मैंने तुम्हें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दिखाया नहीं था, एक होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड,
NIC। तो ये जो कार्ड होता है ना, ऐसा तो PC में लग रहा होता है, ऐसे छोटे मोटे कार्ड अपने फ़ोन में भी लगे होते हैं, टैबलेट में लगे होते हैं, सब सब चीज़ में लगे होते हैं, जहाँ पे इंटरनेट, जिस डिवाइस में तुम इंटरनेट चला सकते हो उस डिवाइस में NIC लग गई होती है। ऑलराइट, तो कभी तुम्हें चेक करना हो अपने PC के लिए कि कहीं मेरा NIC तो ख़राब नहीं हो गया, क्योंकि नेट नहीं चल रहा तो तुम्हारा NIC तो ख़राब नहीं हो गया, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ है, पिंग 127, जिसे हम लूप बैक टेस्टिंग भी कहते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं।